हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो वी विल बी स्टडीइंग चैप्टर 3 ऑफ संस्कृत दीपमालिका ऑफ क्लास 6। सो यहाँ पे अब हमारा थर्ड चैप्टर है जो प्रथम पुरुष है त्रिशूलिंगेशु। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है। और यहाँ पे जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि संस्कृत में तीन पुरुष होते हैं। फर्स्ट है आपका प्रथम पुरुष, को अन्य पुरुष भी कहा जाता है। ठीक है, तीन पुरुष होते हैं कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब प्रथम पुरुष के अंदर अंदर क्या क्या चीजें आती है, इसमें पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है एंड नपुंसकलिंग। तो पुल्लिंग में देखिए, जैसे जो जेंट्स के लिए यूज होता है, ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर जिसको हम बोलते हैं, तो देखो सिंगुलर एक के लिए, जैसे कोई बच्चा है, जैसे राजेश है या रवि है, तो बच्चे के लिए यानी कि लड़के के लिए यहाँ पे यूज होगा सौ, मतलब वह। जी अगर दो हैं तो तौ, बहुत सारे हैं तो ते, सा तौ ते। ओके, पुल्लिंग में ये फॉर्म्स आएंगे, देखिए सा तौ ते। स्त्रीलिंग में स का हो जाएगा, यहाँ पे स था, यहाँ पे सा। ठीक है, सा वह। गर्ल्स के लिए अगर दो हैं तो ते, बहुत सारे हैं तो तहा, देखिए ता के पीछे विसर्ग, तहा। ठीक है, सा ते ता। नपुंसकलिंग यानी कि न्यूट्रल जेंडर, यहाँ पे आ जाएगा एक के लिए तत यानी कि वह, दो हैं तो ते और बहुत सारे हैं तो तानी। तो देखिए आप इस तरह से याद करेंगे, सा तो ते, सा ते तहा, तत ते तानी। ठीक है, ये हो गए आपके प्रथम पुरुष में। अब मध्यम पुरुष में देखिए, त्वम यानी कि तुम, ठीक है, युवाम तुम दोनों, युयम तुम सब। ठीक है, त्वम युवाम युयम। उत्तम पुरुष अहम यानी कि मैं, आवाम वयम। ठीक, अहम आवाम वयम। इसके बाद है देखिए, प्रथम पुरुष के कर्ता के साथ प्रथम पुरुष की ही क्रिया का प्रयोग होता है। ठीक है, अब कर्ता यानी कि काम करने वाला और प्रथम पुरुष की क्रिया यानी कि वर्ब। ठीक है, तो कैसे, जैसे देखो यहाँ पे एक बच्चा है, ये पढ़ रहा है। ठीक है, तो वह पढ़ता है, संस्कृत में हम क्या बोलेंगे, स। देखो एक है तो उसके लिए क्या आएगा, सह पठती, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। हम इंग्लिश में भी पढ़ते हैं ना कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो ये इसका देखिए पठ धातु का ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। ये देखो पठती, एक के साथ पठ पे क्या है, ती लगा हुआ है, पठती। ऐसे ही अगर दो बच्चे पढ़ रहे हैं, जैसे ये यहाँ पे लिखा है, देखो वो दो पढ़ते हैं, वे दो पढ़ते हैं, तो यहाँ पे स तो, ये देखिए स एक के लिए तो दो के लिए, और साथ में यहाँ पे क्या देखो, पठ धातु पे ती लगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, त के पीछे विसर्ग, ये पठतः, तो पठतः यानी कि वे दो पढ़ते हैं। ऐसे यहाँ पे देखिए बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, ये तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वे सब पढ़ते हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इसमें, ते पठंती। तो देखिए सा तो ते, है ना, और वर्ब फॉर्म यानी कि धातु रूप क्या है, देखो पठती पठतः पठंती, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, सिंगुलर पर्सन यानी कि एक के साथ सह यूज हुआ स, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि फर्स्ट फॉर्म धातु रूप जो इसका है वो है पठती, दो के साथ पठतः विसर्ग लग गया, देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे अंति। ठीक है, ती तह अंति, ये देखिए ती तह अंति, सा तह ते, इस तरह से करने हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट पेज पे आपका प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है, कि एक वचन के साथ प्रथम पुरुष को कैसे यूज किया जाता है, कैसे प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक गज है यानी कि हाथी है, तो गजह चलती, देखिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि धातु का प्रथम रूप, देखिए चलती। ठीक है, चल धातु पे जो है ती लगा है, चलती। एक है तो क्या यूज हुआ, देखो सह। ठीक है, स चलती। ऐसे यहाँ पे देखो विनीतः यानी कि विनीत जो लड़का है, विनीतः नमति। ठीक है, विनीत नमस्कार करता है, विनीतः नमति। रीना हंसती, रीना हंस रही है, तो रीना गर्ल है, तो गर्ल के लिए क्या यूज होगा, देखो सा, सा। बॉय के लिए क्या यूज होगा, देखो शह। बॉय के लिए यूज होगा सह, स पे विसर्ग लग जाएगा पीछे, और गर्ल्स के लिए क्या यूज हो रहा, देखो सा। ठीक है, तो सा हसती। ऐसे यहाँ पे देखिए बालकः गच्छति,
एक बालक है, ठीक है। और वैसे इसके लिए बालक के लिए यानी कि एक है, तो उसके लिए क्या यूज हो रहा है, सह स गच्छति। ऐसे यहाँ पे देखिए पत्रम पतति, पत्ते गिर रहे, पत्रम पतति ठीक है, तो तत् पतति यानी कि एक पत्ता गिर रहा है, देखिए ठीक है, तो तत्र तत् पतति, पत्रम पतति पत्ता गिर रहा है, तत् पतति यानी कि वह गिर रहा है। श्वेता पश्यति, श्वेता क्या कर रही है, श्वेता देख रही है, शा पश्यति वह देखती है। सिंह गर्जति, सिंह क्या कर रहा है, गर्जना कर रहा है यानी कि गर्जन कर रहा है। अब यहाँ पे देखो सिंह ये क्या है, मेल है, तो स गर्जति। मयूरः नृत्यति, मयूर क्या कर रहा है, नाच रहा है यानी कि मोर नाच रहा है, तो स नृत्यति, सः नृत्यति मयूर नाच रहा है या वह नाच रहा है। ओके अब देखिए नेक्स्ट में हमें दिया हुआ है, अब देखिए दूसरे पेज में आपको दिया हुआ है ये वाला प्रथम पुरुष द्विवचन, ठीक है। तो प्रथम पुरुष में द्विवचन कैसे यूज करते हैं हम देखिए, तो यहाँ पे देखो दो बच्चे दिखाए हुए हैं अभी, है ना, ये खेल रहे हैं, तो देखो क्या आया हुआ है, बालकः क्रीडतः है, मतलब दो बच्चे खेलते हैं। देखो जहाँ पे ये कौ आएगा, बालकः क्रीडतः, देखो क्रीडतः सेकंड फॉर्म, ठीक है, ये क्रीडति क्रीडतः, ठीक है, क्रीडंती, ठीक है, तो क्रीडतः सेकंड फॉर्म है, देखो द्विवचन, ठीक है, तो बालकः क्रीडतः यानी कि दो बच्चे खेलते हैं। तौ क्रीडतः है, तौ सेकंड फॉर्म के लिए यूज होता है यानी कि दो के लिए यूज होता है, तो तौ क्रीडतः मतलब वे दोनों खेलते हैं। यहाँ पे दो बच्चियां हैं, दो लड़कियां हैं, दो गर्ल्स हैं, तो कन्ने पठते है, ठीक है, दो लड़कियां पढ़ती हैं, फिर ते पठते है, वे दोनों पढ़ती हैं। बालिके हंसते है, बालिके हंसते है, तो यहाँ पे ये क्या है, देखो दो लड़कियां हंसती है। बालकः आगच्छत, दो बालक आते हैं। रामः श्यामः च नमतः तो नमतः, रामः श्यामः च नमतः कि राम और श्याम नमस्कार करते हैं, ठीक है, तो नमतः मतलब वे दोनों नमस्कार करते हैं। ओके अब देखिए आगे है आपका प्रिया प्रियंका च भ्रमतः, ठीक है, कि प्रिया और प्रियंका क्या करती हैं, भ्रमतः मतलब घूमना, घूमती हैं, ठीक है, प्रिया प्रियंका घूमती हैं, ते भ्रमतः वे दोनों क्या करते हैं, घूमती हैं, वे दोनों घूमती हैं। अब है सुकोह वदता, सुकोह मतलब तोता, तोते के लिए बोला जाता है, ठीक है, दो तोते बोलते हैं, तो वदता वे दोनों बोलते हैं, ठीक है। पुष्पाणि विक्षन्ति, देखिए पुष्पाणि विक्षन्ति दो फूल खिलते हैं, तानि विक्षन्ति वे दोनों खिलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज में है आपका प्रथम पुरुष बहुवचन, देखिए प्रथम पुरुष का बहुवचन में कैसे यूज होता है, ठीक है। अभी हमने देखो पहले क्या पढ़ा, प्रथम पुरुष एक वचन, फिर प्रथम पुरुष द्विवचन, अब प्रथम पुरुष में बहुवचन में प्रथम पुरुष को हम कैसे यूज करते हैं, देखिए अब यहाँ पे है देखो बालकः नमन्ति, ठीक है, कि बच्चे नमस्कार करते हैं। ते नमन्ति, अब ते मतलब बहुत सारे हैं, है ना, दो से ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वे सब नमस्कार करते हैं, ठीक है। बालिकाः भ्रमन्ति, ठीक है, लड़कियां घूमती हैं। छात्राः नमन्ति, छात्राएं नमस्कार करती हैं, ठीक है। बालः नृत्यन्ति, मतलब लड़कियां क्या करती हैं, लड़कियां नाचती हैं, डांस करती हैं। ताः नृत्यन्ति यानी कि वे सब नाचती हैं, ठीक है। अब है आपका देखिए मृगः धावन्ति, ठीक है, मृगः धावन्ति हिरण दौड़ते हैं, ते धावन्ति वे दौड़ते हैं। खगः कूजन्ति यानी कि पक्षी चहचहाते हैं, कुंजन करते हैं, ते कूजन्ति यानी कि पक्षी क्या करते हैं, वे चहचहाते हैं, वे कुंजन करते हैं। सैनिकः रक्षन्ति, सैनिक क्या करते हैं, सैनिक रक्षा करते हैं, ते रक्षन्ति वे रक्षा करते हैं। अब देखिए कमलानि विक्षन्ति, कमलानि विक्षन्ति यानी कि कमल खिलते हैं, तानि विक्षन्ति यानी कि वे खिलते हैं, ठीक है। अब देखिए दिव्या भावना प्रियंवदा च वदन्ति तः वदन्ति, ठीक है, कि दिव्या भावना और प्रियंवदा बोलती हैं। अब यहाँ पे देखो इन सब चीजों के लिए क्या यूज हुआ है, देखो तः वदन्ति यानी कि वे सब बोलती हैं। तरुण है वरुण अरुण च क्रीडन्ति, तरुण वरुण अरुण खेलते हैं। अब इन सब के लिए क्या यूज होगा बहुवचन में, ते क्रीडन्ति यानी कि वे खेलते हैं।
ओके तो आपका जो ये थर्ड लेसन है इसका जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया है आपका। अब यहाँ पे देखिए वर्ड मीनिंग दिया हुआ है, इन सबको आप रीड कर लेना। और अब इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको करवा रही हूँ। ओके अब यहाँ से जो बुक के पीछे जो एक्सरसाइज दी हुई है वो मैं आपको स्टार्ट करवा रही हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो है आपका बुक के पीछे जो एक्सरसाइज दी हुई है आपको, तो यहाँ पे आपका जो अभ्यास है संप्रति लेख नियम, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका एक पदेन उत्तरत है। मैंने यहाँ पे आपके लिए ये लिखे हुए हैं सारे, तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं इनको। जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, मैंने लिखा हुआ है क्वेश्चन भी कि का नृत्य थी, ठीक है का नृत्य थी, तो इसका मतलब क्या है कि कौन नाच रहा है, तो कौन नाच रहा है देखो मयूरा नृत्य थी, ठीक है यहाँ पे आपका आएगा मयूरा नृत्य थी। फिर सेकंड क्वेश्चन है के धावंती, ठीक है तो कौन दौड़ रहे हैं देखो मृगा धावंती है ना, मृग दौड़ रहे हैं। के पचता है तो यहाँ पे अम्ब्रे पचता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन फोर है के पतता है, पत्रे पतता है, ठीक है पत्ते गिरते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछे गए थे, ये आपके आंसर हैं सारे के सारे। अब आपके पास जो सेकंड क्वेश्चन है वो है आपका कि निम्नलिखित वाक्य यानी शुद्धानि कुरुत, यानी कि जो आपको वाक्य दिए हुए हैं इनको आपने शुद्ध फॉर्म में यानी कि शुद्ध करके लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जैसे जो जो ये धातु रूप दिए हुए हैं ये गलत दिए हुए हैं, जैसे सा है यहाँ पे एक के लिए यूज हो रहा है, यहाँ पे उन्होंने क्या किया देखो अंति लगा दिया यानी कि बहुवचन फॉर्म में दे दिया ये, है ना, सा एक के लिए यूज हो रहा है ना लड़की के लिए। और यहाँ पे उन्होंने क्या किया गच्छन्ति दे दिया यानी कि उसका थर्ड फॉर्म दे दिया, तो वो उसके साथ क्या आएगा सा के साथ क्या आएगा फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो यहाँ पे आंसर में क्या आएगा आपका सा गच्छन्ति नहीं आएगा, क्या आएगा सा गच्छति, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देवा कन्या भ्रमति, ठीक है तो कन्या कन्या हाँ यहाँ पे क्या है बहुत सारी कन्याएं हैं, तो कन्या के साथ क्या आएगा भ्रमंती यानी कि कन्याएं घूम रही हैं या घूमती हैं। सह नमत है, सह नमत है, अब देखो नमत है विसर्ग किसके साथ आएगा दो के साथ आएगा विसर्ग, लेकिन यहाँ पे एक सिंगल पर्सन के लिए बात हो रही है तो यहाँ पे क्या आएगा सह नमति, ठीक है वह नमस्कार करता है। बालोह क्रीडंती, बालोह यानी कि दो है ना, अब क्रीडंती क्रीडंती नहीं आएगा क्या आएगा क्रीडता है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है धातु का दूसरा द्विवचन, ठीक है क्रीडता है, ठीक है। अब है छात्रा, छात्रा पठती, तो यहाँ पे छात्रा यानी कि बहुत सारी छात्राएं और क्या कर रही हैं पढ़ रही हैं, तो क्या आएगा पठंती, ओके। फलम पतंती, फलम एक फल की बात हो रही है और यहाँ पे इन्होंने फॉर्म कौन सा दे दिया देखो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब दे दिया धातु का थर्ड रूप दे दिया, ठीक है पतति पतता पतंती, तो क्या आएगा यहाँ पे पतति आएगा, एक फल की बात हो रही है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा यानी कि फलम पतति। अब है खगा कूजता, तो यहाँ पे क्या आएगा देखो खगा कूजता, तो क्या आएगा खगा खगाहा, ठीक है और क्या आएगा कूजंती, ठीक है। तो गच्छति गच्छति, तो गच्छति यानी कि दो है तो मतलब दो, ठीक है सा तो ते है ना, तो एक के लिए सा दो के लिए तो बहुत सारे के लिए ते है ना सा तो ते, तो यहाँ पे तो गच्छति, तो गच्छति के साथ क्या आएगा गच्छति नहीं आएगा द्विवचन आएगा, तो क्या होगा वो सेकंड फॉर्म गच्छतः, ठीक है। अब यहाँ पे है आपका सिंहा गर्जति, ठीक तो सिंहा गर्जति के साथ क्या आएगा सिंहा गर्जंती, बहुत सारे शेर गरज रहे हैं। मृगा धावता, ठीक है तो मृगा एक है तो मृगा के साथ क्या आएगा धावती आएगा नॉट धावत है नहीं आएगा, ये दो के साथ आएगा, अगर यहाँ पे मृगा होता तब आता धावता, अभी क्या आएगा मृगा धावती, ठीक है। तो ये देखिए आपका ये जो आपके फर्स्ट पेज में जो आपको दो क्वेश्चंस दिए हुए ये आपका हो गया। अब दूसरा आपसे भाषा अवबोधन है, अब आपका वो करना है आपने, अब मैं आपको वो करवा रही हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भाषा अवबोधनम में आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो है रिक्त स्थानेषु उचित क्रिया पदानि लिखितः, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स है ये, ठीक है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है कि आपने करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखना है यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पे फर्स्ट जो दिया हुआ है आपको छात्रों पुस्तकम, अब पुस्तकम के बाद आपको गैप दिया हुआ है यानी कि फिलअप करना है आपको वहाँ पे फिल करना है, और आपको दो ऑप्शन दिए हुए हैं पीछे उसी में एक्सरसाइज में कि पठतः और पठंती, कि आपको यहाँ पे इन दोनों में से एक लिखना है, तो छात्रों यानी कि दो हैं वो छात्रों पुस्तकम पठतः, ठीक है तो क्या आएगा यहाँ पे पठतः आएगा, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, ठीक है ये है आपका लिखा हुआ मैंने यहाँ पे पठतः, ठीक है। सेकंड है आपका सैनिकः देशम, अब वहां पे दो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं सैनिकः मतलब बहुत सारे सैनिक है, अब वहां पे दो फॉर्म आपको दी हुई है एक दी हुई रक्षन्ति एक दिया हुआ रक्षता, ठीक है तो यहाँ पे बहुत सारे सैनिक है तो उसके साथ क्या आएगा अंति, देखिए रक्षन्ति, ठीक है।
फिर है आपका पुष्पाणि, और उसके साथ आपको ऑप्शन दिए हुए हैं विक्षति और विक्षन्ति। तो पुष्पाणि यानी कि बहुत सारे पुष्प हैं, तो वो क्या आएंगे विक्षन्ति। ये देखो मैंने आपको फिलअप यहाँ पे भरे हुए हैं, सारे फिलअप किया हुआ है इनको, तो आप इनको नोट कर लीजिएगा। मृगः वने, अब मृगः वने में आ गए, एक तो धावता है और दूसरा धावती, तो क्या आएगा मृगः वने धावती। ठीक है, फिर है आपका गजः है, सनः है, एक के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो एक के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, एक चलता है दिया हुआ है, एक चलती दिया हुआ है, तो क्या आएगा यहाँ पे ऑप्शन चलती आएगा। ठीक है, तो ये आपका भाषा अवबोधन का रिक्त स्थानेषु उचित क्रियापदानि लिखितः का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फिलअप्स। ठीक है, सेकेंड है आपको दिया हुआ यहाँ पे कि उचित कर्त पदम चित्वा रिक्त स्थानाति पूर्यतः, यानी कि उचित कर्ता पद चुनकर रिक्त स्थानों को भरना है आपने, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट। ओके, ये भी फ्रेंड द ब्लैंक्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है जहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ना जिसको, वो आपका फिलअप, वो आपको फिलअप है, देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे डैश दिया हुआ है और लिखा हुआ है फिर आगच्छतः, तो देखो दो की बात हो रही है, तह यानी कि विसर्ग लगा हुआ है, तो क्या आएगा यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है सह सह तानी ते, तो क्या आएगा ते। ठीक है, जहां पे भी विसर्ग लगा होता है ना वर्ड के पीछे, कि आपको कोई वर्ड दिया हुआ है उसके पीछे दो बिंदियां लगाई हुई हैं, विसर्ग बोलते हैं उनको, दो बिंदियों को, तो वहां पे कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि क्रिया की दूसरी द्विवचन आएगा वहां पे। ठीक है, तो ते सा ते और तानी। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ते ते अगच्छतः। ठीक है, अब सेकंड में है आपको दिया हुआ है ख में डैश दिया हुआ है, फिर लिखा हुआ हसंती, तो यानी हसंती मतलब हंसते हैं, तो हंसते हैं मतलब बहुत सारे होंगे, तो क्या आएगा यहाँ पे आपको तीन दिए हुए फॉर्म, छात्र छात्र छात्रा, तो क्या आएगा छात्रा हसंती, यानी कि छात्राएं हंसती हैं। ठीक है, तो पिबतः, यहाँ पे देखो पिबतः है, तो यहाँ पे क्या आएगा तो मतलब दो। ठीक है, फिर है आपका घ में है डैश संती, फिर आपको ऑप्शन वही दिए हुए कि सा ते तो, तो यहाँ पे क्या आएगा तो ते संती। ठीक है, तो नहीं आएगा ते संती। अब है फिर गच्छती, और उसके आगे आपको डैश दिया हुआ है, तो वहां पे आएगा सह गच्छति। ठीक है, फिर है नमतः, नमता में क्या आएगा तो नमतः, ये भी दो के लिए हो रहा है यूज, नमतः विसर्ग लगा हुआ है तो नमतः। अब देखिए आपको फिर क्वेश्चन थ्री दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन थ्री ये है आपका, निम्नलिखित वाक्यानि बहुवचने परिवर्तयत, कि ये जो आपको जो वर्ड्स दिए हुए हैं, जो सेंटेंस दिए हुए हैं, इनको आपने बहुवचन में यानी कि प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, चेंज इनटू प्लूरल फॉर्म्स। ओके, तो अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि पहला जो है स खादती, यानी एक की बात हो रही है। ठीक है, स खादती, अब हमने जो धातु रूप पढ़े थे वहां पे क्या था, देखो स तो ते, तो अगर स एक के लिए बोला जा रहा है सह खादती, तो बहुत सारों के लिए क्या होगा ते खादती। ठीक है, ऐसे सेकेंड में है कि सा नमति। ठीक है, सा नमति, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ता नमन्ति। ठीक, फिर आपका देखो बालः क्रीडति, तो क्या हो जाएगा बाला क्रीडन्ति। ठीक है, पुष्पम विक्षति पुष्पाणि विक्षन्ति, अश्व धावतः अश्व धावन्ति, मित्रे गच्छतः मित्राणि गच्छन्ति, बाले पठतः बालः पठन्ति, खगः कूजन्ति खगा कूजति खगा कूजन्ति। ठीक है, तो ये इस तरह से होगा, देखिए आ गया ये समझ में, पूरा का पूरा इस तरह से करना है पूरा सारा ना, इसके सिर्फ फॉर्म्स चेंज होंगी, यानी कि वर्ब फॉर्म्स चेंज होंगी बस। ठीक है, अब चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फोर, संस्कृतेन अनुवादम कुरुतः, यानी कि यहाँ पे संस्कृत में आपको इसको ट्रांसलेट करना है। ठीक है, ट्रांसलेट इनटू संस्कृत। ठीक है, तो आपको फर्स्ट दिया हुआ है पत्ता गिरता है। ठीक है, पत्ता गिरता है, एक पत्ते की बात हो रही है, देखिए तो पत्रम पतति। ठीक, वे सब पढ़ते हैं, अब यहाँ पे वे सब यानी कि बहुत सारों की बात हो रही है, प्लूरल फॉर्म्स में है ये। ठीक है, तो ते पठन्ति। ठीक, वे दोनों, ठीक है, दो की बात हो रही है, वे दोनों नमस्कार करती हैं, तो ते नमतः। दो सैनिक रक्षा करते हैं, तो दो की बात हो रही है, तो क्या आएगा सैनिकः रक्षतः। ठीक है, वे सब नाचती हैं, बहुत सारों की बात हो रही है, तो तः नृत्यन्ति। कन्याएं जाती हैं, कन्या गच्छन्ति, कन्या गच्छन्ति। अब आपका जो है यहाँ पे थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो ये सारी की सारी एक्सरसाइज जो बुक के पीछे जो दी हुई है सारी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, आपका ये लेसन कंप्लीट हो चुका है, इसको अच्छे से पढ़ना, अच्छे से ध्यान देना, सारी चीजें ये नोट कर लेना,
ठीक है, आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ओके बाय।